पंत जी जो क्षेत्रीय सेवा प्रभाग की एक बहुत ही वरीय अधिकारी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों के प्रश्न हमारे पास जैसे ही आते हैं हम उन प्रश्नों को आप तक साझा करेंगे, और इसके पूर्व कि हम विद्यार्थियों के प्रश्नों को ले विभिन्न विषयों पर चर्चा करें, हम अपने क्षेत्र निदेशक के निदेशक डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा सर से आग्रह करेंगे कि आप अपने इनिशियल रिमार्क हमारे विद्यार्थियों और सुनने वालों के लिए आपका स्वागत सर, आप अपने वक्तव्य से हमें धन्यवाद। पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी, सभी हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ, हमारे क्षेत्र केंद्र के सभी निर्देशक, सह निर्देशक और हमारे स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स और उनके जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं सभी को इस प्रोग्राम में, हेलो इग्नो के प्रोग्राम में अपने तरफ से, यूनिवर्सिटी के तरफ से स्वागत करता हूं। और जितने भी पैनलिस्ट अभी बैठे हैं मेरे साथ, वीपी रूपम जी जो कि एडमिशन संभाल रहे हैं, हमारे जो सहयोगी हैं हमारे रीजनल डायरेक्टर्स डॉक्टर संजीव पांडे जी हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं, डॉक्टर कानन शर्मा है, डॉक्टर केडी प्रसाद और डॉक्टर हेमा पंत जो कि हमारे क्षेत्रीय सेवा प्रभाग में इग्नो हेडक्वार्टर्स में मेरे साथ काम कर रहे हैं, सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लेट मी ऑल वेरी हैप्पीली welcome to this Hello IGNO program. As it has been told by Dr. Prasad, it's a very, very popular program. And the basic objective of this program is to get connected with you. हम आपके साथ जुड़ने चाहते हैं ताकि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में आप घर में जो अकेले बैठे हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, अपने स्टडी सेंटर के बारे में, अपने रीजनल सेंटर के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि हम कैसे यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े। यूनिवर्सिटी के कोई ऑफिसर या स्टाफ के साथ हमारा कैसे संपर्क स्थापित हो ताकि हमारे मन में जो शंका है, जो क्वेरीज है, जो प्रश्न है उसका जवाब सटीक रूप से हमें मिले ताकि हमें थोड़ा तसल्ली मिले। और ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपके मन में जो तमाम सारे प्रश्न है, चाहे वो आपके एडमिशन के बारे में हो, चाहे आपके एग्जामिनेशन के बारे में हो, चाहे आपके असाइनमेंट सबमिशन के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हो, प्रोजेक्ट सबमिशन के बारे में हो,
कब एग्जामिनेशन होगा, अगला एग्जामिनेशन कब होगा, जो पिछला एग्जामिनेशन दिए थे उसके रिजल्ट कब निकलेगा, तमाम सारे जो आपके मन में सवाल है उसका सटीक जवाब आपको मिलने, ये हमारा आज का कोशिश रहेगा। और इसीलिए हमने इतना बड़ा पैनल आपके पास लाके खड़ा किया है ताकि आपके जो प्रश्न है आप आराम। हमें पूछे और आपके प्रश्न का उत्तर हम देने का कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आप लोग सभी को स्वागत करता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इट्स अ बिग फैमिली, इट्स अ बिग बिग फैमिली एंड इट्स द लार्जेस्ट मेगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और हाल ही में इग्नू को आप लोग सबको पता है कि NAC National Assessment and Accreditation Council की तरफ से A++ which is the highest grade accreditation का ये
Dr. Rupam is there. I'm sorry I could not introduce in the beginning. So I just want to say that we are now started taking the queries which has been raised by the students. Now, Rajesh Singh कहते हैं कि he says that सभी को नमस्कार, नमस्कार राजेश जी, और उन्होंने जनवरी 2021 में एक कोर्स में एडमिशन लिया है और उसका प्रिंटेड मटेरियल उनके पास नहीं पहुंच पाया है. हम चाहेंगे डॉक्टर हेमापंत जी से कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे देखते हैं. इस तरह के करे कई लोगों के इस तरह के प्रश्न हैं where the students has really asked that they have taken admission, they got the admission confirmed and they are still waiting for the study material to reach their home. Dr. Hemapant ji. Thank you, Dr. Prashad, and namaskar, director sir, and all our colleagues who are present in the panel. And I also welcome all the learners and viewers who have joined through this platform. सभी का स्वागत है. और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा अभी डायरेक्टर ने डायरेक्टर सर ने बताया और डॉक्टर प्रसाद सभी हमारे पैनलिस्ट इस बात को इसकी पुष्टि करेंगे कि ये बहुत ही पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है. और ये जो आपका प्रश्न है डॉक्टर प्रसाद, और इस तरह के आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं. रिगार्डिंग on receipt of study material. तो जैसा हमने आरंभ में बताया कि एक मुश्किल दौर से सभी गुजर रहे हैं और ये पैंडेमिक का और लॉकडाउन का समय है, तो थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है मैं ये कहूंगी. और हम आपके समस्या से बिल्कुल रूबरू हैं. हम जानते हैं, वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट दिस डिले इन देयर कुड बी अ डिले इन द रिसीट ऑफ योर स्टडी मटेरियल बिकॉज ऑफ यू नो क्लोज पोस्ट ऑफिसेस और ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, बिकॉज एज यू नो द मटेरियल डिवीजन इज हियर लोकेटेड इन मैदानगढ़ी इन इग्नो. You can download it on your smartphones and entire study material of IGNU is available on that platform. So, Dr. Prashad, mera jawab in vidyarthiyon ke liye yahi hai. Thank you Hema ji. Now there are I will go to Dr. Sanjeev Pandey sir. There are few students who are really writing that when their online counseling session is going to begin and how this is going to be received by their end, how they will receive the schedule, how we are ensuring that the schedule reaches them on time. One student, he's saying Megha Srinivas, she is saying that, sir, psychology ke liye koi bhi online class kab shuru hoga? So I would like to request our regional director, Dr. Sanjeev Pandey ji, to please provide your input, sir. Thank you, Dr. Prasad, for the important point raised by you. Counseling, online counseling के लिए इस समय सभी छात्र, चाहे वो दिल्ली के हों या देश भर में किसी भी क्षेत्रीय केंद्र में हैं, सभी लोग उत्सुक हैं
कि कब हम लोगों का ये ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगा। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे वो काउंसलिंग शुरू भी कर चुके हैं और कुछ जो बड़े क्षेत्रीय केंद्र हैं, खास करके जो दिल्ली में स्थित हैं, वहाँ पे अभी कुछ प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही ये हम लोग शुरू कर देंगे। वेरी सून विल बी स्टार्टिंग दी ऑनलाइन काउंसलिंग, दिस इज नंबर वन। जो स्टूडेंट का जो काउंसलिंग सेशन होगा उसकी सूचना हम लोग अपने वेबसाइट पे, रीजनल सेंटर वेबसाइट पे हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं। और स्टूडेंट को हमारी सलाह है, हमारी एडवाइस है दैट दे शुड ऑलवेज चेक द वेबसाइट ऑफ द रीजनल सेंटर वेयर दे आर अटैच्ड। इफ द स्टूडेंट इज अटैच्ड टू दिल्ली 1, दे शुड चेक द वेबसाइट ऑफ दिल्ली 1। इफ दे आर अटैच्ड टू दिल्ली 2, दे शुड चेक द वेबसाइट ऑफ दिल्ली 2, दिल्ली 3, लाइक दिस। और वहां पे उनका वो है, नंबर एक। दूसरा, सभी छात्रों को या तो SMS द्वारा या मेल द्वारा ये सूचना भिजवा दी जाती है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का जो क्रम है वो शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो यू कैन अटेंड एट दिस एट द लिंक व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल एंड व्हिच इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न्ड रीजनल सेंटर। इसमें कहीं पे किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे कोई भी छात्र किसी दूसरे क्षेत्रीय केंद्र का भी उसमें हिस्सा ले सकता है। बस परेशानी केवल उन जगह पे आती है जहाँ पे कि वो फ्रीली डाउनलोडेबल जो सॉफ्टवेयर है तो उसमें संख्या की एक लिमिटेशन होती है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, दोज़ हू कैन पार्टिसिपेट दे आर लिमिटेड, बट अदरवाइज वो दे कैन ऑलवेज अटेंड। एंड आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर हम लोगों का जब दिल्ली 3 का हम लोगों ने किया था तो वी हैड स्टूडेंट्स अटेंडिंग फ्रॉम एज फार एज इन सदर्न स्टेट्स, इन वेस्टर्न स्टेट्स, वो रीजनल सेंटर से स्टूडेंट को अपना वो करते थे, अटेंड करते थे, एंड आर एकेडमिक काउंसलर्स वुड ऑलवेज परमिट देम सो लॉन्ग एज द कैपेसिटी वॉज नॉट फुल। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो चाहे वो साइकोलॉजी हो या कोई अन्य विषय हो, सभी विषयों का विशेष करके मैं दिल्ली क्षेत्रीय केंद्रों के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जल्द से जल्द हम लोग प्रारंभ करेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखें। ये इस समय जो आपदा आई है इन द नेम ऑफ COVID-19, द सेकेंड मोस्ट डिजास्ट्रस वेव वेयर वी हैव लॉस्ट मेनी पीपल आर क्लोज वन, नियर एंड डियर वंस, सो लेट द स्टूडेंट्स बियर विद अस फॉर सम टाइम। वी आर ऑल वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द वेलबींग ऑफ द लर्नर्स। ओके, आई विल गो स्ट्रेट टू डॉक्टर अशोक शर्मा जी एंड वुड लाइक टू सी दैट सिंस Delhi 2 and Delhi 1 is the, and Delhi 3 2 are the biggest regional center in terms of the students, are when we have started, when we are planning to have the counseling sessions. Ek student Tania Sharma hai, unka bhi prashna hai, main baat saath mein leta hoon, Ashok Sharma ji uska answer hum karenge. Ki Tania Sharma kehti hai ki unhone re-evaluation ke liye apply kiya tha, री-इवैल्यूएशन के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं तानिया शर्मा जी, देन आई गो टू अशोक शर्मा जी, दैट तानिया जी, एज यू ऑल अवेयर, डायरेक्टर RSD हैज आल्सो सेड, आवर रीजनल डायरेक्टर फ्रेंड्स हैज आल्सो सेड दैट वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज वेयर पोस्ट ऑफिसेज आर क्लोज्ड, वी हैव सेंड योर री-इवैल्यूएशन प्रोसेस आंसर स्क्रिप्ट टू द इवैल्यूएटर, बट इवैल्यूएटर इज नॉट एबल टू सेंड दैट आंसर स्क्रिप्ट बैक टू अस सिंस पोस्ट ऑफिसेज आर क्लोज्ड, द लॉकडाउन इज देयर, सो डेफिनेटली वी आर आफ्टर इट and we will be taking care of the earliest declaration of such result, those who had applied for the re-evaluation. Now going to Ashok Sharma ji, that tell us that how quickly we are going to start the counseling sessions, especially for the postgraduate programs or undergraduate programs. Dr. Ashok Sharma ji. Let me intervene before Dr. Ashok Sharma says anything. Now this is a very, very genuine question asked by a student when the counseling sessions are going to start, and particularly the online counseling, because the study centers are closed due to the lockdown. Now, my specific answer to this question would be that, see, there are two types of programs, large enrollment programs and the small enrollment programs. The bachelor degree and master degree programs are the large enrollment programs in IGNOU, and we have given direction to all the regional centers across the country that they should start counseling for these
large programs where the enrollment is very large. Probably in the first week of June, from 1st of June itself and in the first week of June, all the schedule of all counseling will be uploaded in the regional center website of the concerned regional center. Students can go to the website of the regional center. जैसे कि पांडे जी ने आपको आपको बताया कि आपको अपने regional center website में counseling या latest information के लिए हमेशा देखना चाहिए in addition to the university website. So उस regional center के website में आपको ये नजर आएगा कि काउंसलिंग शुरू हुआ है पर्टिकुलरली लार्ज एनरोलमेंट प्रोग्राम्स के लिए और उसका शेड्यूल वगैरह आपको मिलेगा. इसके अलावा जैसे आपको बताया गया कि एसएमएस के थ्रू भी आपको ये इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपके काउंसलिंग शेड्यूल कैसे बनाया जा रहा है. एज फार एज द स्मॉल प्रोग्राम्स आर कंसर्न्ड, जहां पर कि एनरोलमेंट हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, पर्टिकुलरली मेनी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स में काफी स्टूडेंट है, बट इग्नू के इन कंपैरिजन टू मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं है. वहां सेंट्रलाइज काउंसलिंग का हम प्रबंध कर रहे हैं. हमारे जितने भी स्कूल्स है और हर स्कूल में जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है. वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डायरेक्टली आपके साथ संपर्क स्थापन करेंगे और दे विल बी सेंडिंग एसएमएस एंड ईमेल मैसेजेस टू द स्टूडेंट्स who are admitted to the program and intimate them about the schedule of the counseling. So therefore, my simple answer to this question would be that in the first week of June itself, we will be starting all the online counseling, either for the large enrollment programs like our bachelor degree and master degree programs, which will be conducted from the regional centers, respective regional centers, and small enrollment programs like certificate and diploma by the respective schools and the program coordinator of that particular program. Thank you, sir. Yes. And thank you very much, sir. You have given a very, very clear understanding to our students that yes, we all are going to have the counseling schedule uploaded on the website of the regional centers by 1st of June so that we can start the counseling sessions where there are large number of students, and with the help of school, we are going to the Facebook Live and other counseling sessions for the small number of students where in some programs. Now I have a question to Dr. Rupam ji, that one student, Shweta, one student is asking about that what will happen, sir, if my validity is, the admission validity is ending by the end of this year due to the corona pandemic. Is university going to consider such cases? Over to Dr. Rupam, sir. Thank you, Dr. Prasad. That's a valid concern of many of our students. In fact, such a decision was taken when the pandemic hit us for the first time. All those students whose validity of registration was expiring in June 2020 was extended till December 2020 and subsequently to June 2021. So this kind of a benefit has already been given to students so far, but this is a policy decision. The university will take a call on the situation that emerges in times to come and will take a suitable decision. I would like to clarify here that now there is no provision for readmission. Earlier, we used to have a provision for readmission whereby a student could get the validity extended by a certain period by paying fee for the courses not completed. That provision does not exist anymore. So, right now, the situation is that if your registration is valid till June 2021, I think you must be appearing in the June 2021 examination. And if you have not filled up the examination form, the portals are open. You can submit your examination form. Sir, about later cases, yeah, we will take a call later. Thank you. Dr. Rupam, I will hold you again. There is one question from Rakesh Singh. He is asking that he is facing a technical issue when he is trying to reset the online summer ID portal, OTP is not generated. I think you will definitely answer to this.
Dr. Rupam, can you please help Rakesh Singh to solve his query, sir? Yes, certainly. I believe, I understand that Rakesh is trying to re-register himself for the next semester or the next year of the program. There we require the student to submit his valid email and mobile number. Now, in many cases, we have noticed that these numbers, the students have changed their numbers or their mail ID because of which they are not getting an OTP. But it is a very simple process. Rakesh, you can mail to me or you can mail to SRD or to your regional center and we will reset your student account. We will give you a temporary password whereby you can log in and complete your registration process. And later on, you can update your password. Why this is important is because we depend heavily on your mobile number and email ID to give you updates on various things. If we don't have your correct mobile number and email ID, this communication is lost. So essentially, you lose very important information sometimes. So this is just an effort to ensure that we have your correct, contact details. Thank you, sir. And now over to Dr. Ashok Sharma ji. मैं थोड़ा सा add करने चाहूँगा what Dr. B.P. Rupam has said, because there is a genuine problem which a student has raised about the expiry of the registration period. अगर हमारा maximum duration June 2021 में खत्म हो रहा है, तो हम क्या करें? ये प्रश्न है, and that must be the question raised by many of the students. Now, let me assure all of them, on behalf of the university authorities and administration, that please don't worry. आपको चिंता करने का कोई आवश्यक नहीं है. हम लोग सब एक unprecedented situation में गुजर रहे हैं. We are passing through a very difficult time. आप लोग ये problem face कर रहे हैं because of this pandemic situation. So university आपके ये problem का पूरा ख्याल रखेगा. एग्जामिनेशन जो हम प्लान कर रहे हैं कि जून के एग्जामिनेशन को जैसे हमने अभी डेफर कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन, तो आपको एग्जामिनेशन का भी मौका मिलेगा. असाइनमेंट सबमिशन को हमने 31 तक रखा है, मई तक रखा है, उसका भी आपको असाइनमेंट जमा करने का मौका मिलेगा, प्रोजेक्ट भी जमा करने का मौका मिलेगा, और एग्जाम फॉर्म भी सबमिशन का मौका मिलेगा. सो यू नीड नॉट वरी. द ओनली एडवाइस फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू इज दैट सिंस इट इज योर लास्ट चांस, गेट रेडी टू डू एवरीथिंग दैट इज पेंडिंग एट योर एंड. अगर आप तैयार करके सब चीज रखेंगे, अपना प्रोजेक्ट, अपना असाइनमेंट, एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार करके रखेंगे, तो यूनिवर्सिटी विल डेफिनेटली फैसिलिटेट, यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगा इसको कंप्लीट करने के लिए. सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. थैंक यू सर. एंड ओवर टू डॉक्टर अशोक शर्मा जी. व्हाट आर द issues? We are finding that there are so many queries coming from the students. They are saying that they are finding difficulty in submitting their assignments and the projects. What arrangement university had done so far so that students should not find any difficulty in submitting their assignments and the projects? Over to Dr. Ashok Sharma ji. Thank you, Dr. Pratap. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मोहपात्रा सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्टरीली रिप्लाई करने में मेरी हेल्प की. जैसा सर ने कमिटमेंट किया है, जून 1st वीक से हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस की शुरुआत कर देंगे. हमने हमारा जो पोर्टल है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिविजन का SRD पोर्टल से हमने हमारे स्टूडेंट्स का डाटा ऑलमोस्ट डाउनलोड कर लिया है, और अब स्टडी सेंटर्स के साथ उस डाटा को शेयर करके और जो एकेडमिक काउंसलर ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग में कंफर्टेबल हैं उनके साथ टाई अप करके हम जून 1st वीक से एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस की शुरुआत करेंगे. तो इसके लिए मैं डॉक्टर RSD सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर क्वेरी को सेटिस्फैक्टरीली रिप्लाई करने में उन्होंने मेरी हेल्प की.
और जैसा इस विद्यार्थी का प्रश्न है कि कुछ विद्यार्थियों को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स अपलोड करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, हमारा जो सिस्टम है, इसी कारण नैक ने हमें A++ ग्रेड के खिताब से नवाजा है। अभी रिसेंटली हमारा जो इंस्पेक्शन हुआ था नैक का, तो हमें A++ ग्रेड हमें मिला है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड है, और ये हमारे सिस्टम की बदौलत है, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत परफेक्ट है, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। तो हमारे सभी विद्यार्थियों को जानकर खुशी होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से हमने हमारे विद्यार्थियों को ये सुविधा प्रदान की है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कर सकते हैं। अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि ना स्टूडेंट को ना लोगों को बाहर अभी नहीं निकलना चाहिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, और क्योंकि अभी वैक्सीन वगैरह में भी थोड़े से इश्यूज हैं, तो सभी विद्यार्थी घर बैठे ही अपने सारे काम कर सकें, इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने भी हमारे स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी प्रदान की है कि हमारे विद्यार्थी घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अपना प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह, अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट वगैरह वो हमारी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट के माध्यम से वो अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें हमारी वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, www.ignu.ac.in। और मैं अपने सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो केवल और केवल हमारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करें। अगर इस नाम से मिलता जुलता अगर उनको और कोई दूसरी वेबसाइट दिखाई देती है, तो प्लीज वो इंश्योर कर लें, वो चेक कर लें कि वो केवल और केवल हमारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएं और वहां पर हमारे दिए हुए लिंक के माध्यम से वो अपना प्रोजेक्ट जमा करवाएं। दूसरी बात, जहां तक बात है असाइनमेंट्स की, तो असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए डिफरेंट रीजनल सेंटर्स ने डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे जिन रीजनल सेंटर्स पर स्टूडेंट्स की संख्या कुछ कम है, तो वो ईमेल वगैरह से उनकी असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा हर रीजनल सेंटर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, रीजनल सेंटर की वेबसाइट के ऊपर मोड स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया हुआ है कि कौन विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली वन की मैं बात करूं, तो हमने हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली वन की वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट्स को लिंक दिया हुआ है कि उनको किस प्रकार से अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है। तो ये एक बहुत इजी प्रोसेस है, और हमारी स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी होने के नाते हम स्टूडेंट को सभी तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट्स को कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने हमारे रीजनल सेंटर के मोबाइल नंबर हमने हमारी वेबसाइट के वेब पेज के माध्यम से हाईलाइट किए हुए हैं, और कोई भी विद्यार्थी हमसे हमारे मोबाइल नंबर पे मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 6 जो वर्किंग डेज हैं, वर्किंग आवर्स हैं, उनके दौरान वो रीजनल सेंटर दिल्ली वन पर हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या अगर हमारे विद्यार्थियों को आ रही है, तो उसका समाधान वो हमसे ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू अशोक जी। एंड नाउ देयर इज क्वेश्चन टू आवर डायरेक्टर। देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड कौशल कुमार सर, ही इज रिक्वेस्टिंग दैट ड्यू टू दिस पेंडेमिक कैन the last date for submission of assignment be extended. It's his request. So I would like to request our director that please how to answer such query, sir. See, 31st May is the last date for submission of assignment. Jo pehle 30 April tak tha, and then the university realized that the students are facing problem. So university has extended the last date up to 31st of May. Now the student is asking me beforehand that whether there will be further extension. Now let me also tell you that agar aap hamare kulpati honorable vice chancellor ko sune honge last Sunday ko, unhone bhi ye bataya ki agar zarurat pade aur is tarah ka situation continue kare aur student ko problems hamare
फीडबैक जो सिस्टम है, हमारे जो आइग्राम का पोर्टल है, हमारे जो गृहांश का पोर्टल है, उसके माध्यम से हमें ये पता चले कि बहुत ज्यादातर स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी उनके डिमांड को, उनके ग्रीवांसेस को कंसीडरेशन में जरूर लेगा। सो आज के दिन में मैं सिर्फ ये एडवाइस आपको करूंगा कि अभी भी आपके पास वक्त है, आज टुडे इज 26, सो आपको अभी भी टाइम है 31st तक। आप अपना असाइनमेंट को वेबसाइट में, रीजनल सेंटर वेबसाइट में जाके, बिकॉज एवरी रीजनल सेंटर हैज नाउ गिवन अ लिंक फॉर अपलोडिंग द असाइनमेंट ऑन द वेबसाइट, सो प्लीज गो टू द वेबसाइट ऑफ योर रीजनल सेंटर, सी द लिंक एंड फॉलो द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन गिवन बाय देम एंड अकॉर्डिंगली यू डू इट। उसके बाद 31st में हम ये देखेंगे कि how many students have been left out for submission of assignment, उसके बाद यूनिवर्सिटी उसके ऊपर जरूर जरूर विचार करेगा। सर एक मैं और अभी से ये कमिट नहीं कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी उसको बढ़ा देगा। सर एक और प्रश्न है सर, इसी से मिलता जुलता, the students are asking that they have applied for the terminal examination last time but due to corona they have not able to appear in the terminal examinations, is the university going to adjust the program the examination fee those has been submitted by them? This is a policy decision, sir, but definitely this is a question from the student side. Yes, this is a question from the students that due to corona they could not appear the examination last time, so will the fee that they have paid for appearing the last examination be adjusted if they appear the examination next time? I think university has already issued a direction that there will be some kind of consideration of this grievance and this demand. उसके बारे में मैं उनसे ये सूचना दे रहा हूँ कि हम इसको देखेंगे कि कितने स्टूडेंट इस तरह से अफेक्टेड हुए हैं। अगर हमें ये पता चले कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें अफेक्टेड हैं और उनका ये डिमांड जेन्युइन है, तो डेफिनेटली विल रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सम consideration and sympathetic consideration of the grievances of the learner. Thank you, sir. Now I'm going to Dr. Kanan Sharma ji, because you are the regional center having the maximum number of students. Your students are asking that when they are going to get the counseling schedule. I think generally it has been said by Director RSD that the regional centers are going to upload the assignments. What additional or what extra has been done by Delhi too? For extending the support during corona pandemic, Dr. Kananji. Thank you, Dr. Prasad, for giving me this opportunity. जैसा कि हमारे सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम इस कठिन समय में विभिन्न माध्यमों से उनसे जुड़ने के प्रयास में निरंतर रत हैं। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये भी उसी दिशा में एक और कड़ी है, और पिछले साल से लेकर अभी तक हम लोग विभिन्न माध्यमों से लगातार अपने विद्यार्थियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने छोटे छोटे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम बना के रखे हैं, क्योंकि जो हमारे नए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं वो अभी तक या तो किसी कन्वेंशनल सिस्टम से पढ़कर आ रहे होते हैं या जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेते हैं वो स्कूल से पढ़कर आ रहे होते हैं, तो ये जो दूर और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अब उन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया है, तो उसके लिए हमने उनको छोटे छोटे वीडियोज के तहत उनको इग्नू के बारे में पूरी जानकारी दी है कि उनको क्या क्या स्टेप लेने होंगे। शुरू में हमारे विद्यार्थियों को एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें कि क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारी और अध्ययन केंद्र के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनका कि पूरे उनके अध्ययन पाठ्यक्रम में जिनके साथ उनको समन्वय करना है, उनसे उनका परिचय कराया जाता है और एक प्रोग्राम की रूपरेखा किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है अपने पूरे पाठ्यक्रम के दौरान हमारे विश्वविद्यालय में, तो उसको हमने कॉम्पेंसेट करने के लिए ये जो मैं छोटे 5 हमने वीडियो प्रोग्राम्स बनाए हैं
उस फेस टू फेस इंडक्शन प्रोग्राम को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने वो बनाए हैं और वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभी 5 मई को मैंने एक ओपन लेटर अपने क्षेत्रीय केंद्र 2 के विद्यार्थियों के लिए लिखकर अपनी वेबसाइट पर डाला है, जिसमें कि हमने स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड ईमेल आईडीज जेनरेट करी हैं और विद्यार्थियों को कहा है कि उनकी जो भी स्पेसिफिक क्वेरी है, अगर एग्जाम रिलेटेड है तो वो उस स्पेसिफिक ईमेल आईडी पर दें, अगर असाइनमेंट रिलेटेड है तो वो उस स्पेसिफिक ईमेल आईडी पर दें, जिससे कि हम उन ईमेल का सही ढंग से और जल्दी निपटान कर सकें। हमारी तरफ से पूरा पूरा प्रयास हो रहा है कि हमारे पास में जो भी ईमेल आ रही हैं, और जैसा कि डॉक्टर प्रसाद अभी आपने कहा कि ये क्षेत्रीय केंद्र देश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय केंद्र है और विद्यार्थी हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में है और उसी अनुपात में हमारे पास में स्टूडेंट क्वेरी और ईमेल आईडी भी आ रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं स्टूडेंट्स की, लेकिन हमारी तरफ से पूरा पूरा प्रयास हो रहा है कि हम जल्दी से जल्दी उनका निपटान करें। और मुझे ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हमें धन्यवाद ईमेल भी वापस भेज रहे हैं कि इस संकट के समय में भी हम उनकी समस्या का जल्दी निपटान कर रहे हैं, जबकि हमारे बहुत सारे कर्मचारी खुद भी इस महामारी से ग्रसित हैं। बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय केंद्र के कर्मचारी अपने नियर एंड डियर वन को भी का निधन भी हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद हमारी तरफ से निरंतर प्रयास है कि हम अपने विद्यार्थियों से जुड़े रहें, उनका मनोबल ना खत्म हो, और जितनी हमारे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता है, उतनी ही चिंता इग्नू में हम सबको भी उनकी पढ़ाई को लेकर है। हमने FAQs स्पेसिफिक सेक्शन वाइज FAQs अपनी वेबसाइट पर डाले हैं और जो हमारे पास में ईमेल आ रही थी, स्टूडेंट क्वेरी आ रही थी, उनको उनके मद्देनजर हमने उन FAQs को बनाया है और कोशिश करी है कि विद्यार्थियों की जितने भी डाउट्स हैं हम उन FAQs में उनको समाहित कर सकें। तो वो हमारी इग्नू W2 की वेबसाइट पर है। उसके अलावा असाइनमेंट सबमिशन के लिए भी हम लोगों ने एक डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई है और वो भी हमारी वेबसाइट पर है। और हमारे जो अध्ययन केंद्र है उन्होंने विभिन्न माध्यमों को अपनाया है असाइनमेंट सबमिशन के लिए इस संकट के समय में। कुछ गूगल फॉर्म के द्वारा ले रहे हैं, कुछ ईमेल आईडी के द्वारा ले रहे हैं, और कुछ अध्ययन केंद्र ने कहा है कि वो जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा उसके बाद जब सामान्य स्थिति बरकरार हो जाएगी तो वो बाई हैंड भी लेंगे। तो वो भी सारा डिटेल हम लोगों ने दिया हुआ है और मैं अपने विद्यार्थियों को पूरा आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम सब उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर हम सब उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से उनसे जुड़ते रहें। हमारे अध्ययन केंद्र के केंद्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोग्राम के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी विद्यार्थी उससे जुड़े रहें। और उनमें इसके अलावा हमारे बहुत सारे अध्ययन केंद्र ऑलरेडी जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके पहले ही ऑनलाइन काउंसिलिंग सेशन लगा रहे थे, इसकी पूरी पूरी जानकारी हम लोग अपनी वेबसाइट पर दे रहे थे। जी। अभी हमने अपने एक कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग करी थी और उसमें हमारे कुछ कोऑर्डिनेटर्स ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स उनको अप्रोच कर रहे हैं विभिन्न थ्रू टेलीफोन थ्रू ईमेल कि अभी वो उनकी मना स्थिति ऐसी नहीं है कि वो काउंसिलिंग सेशंस बहुत तेजी से करे जाएं। तो इसीलिए हमने अपने समन्वयक अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर्स से रिक्वेस्ट करा था कि थोड़ा सा अभी सामान्य स्थिति बरकरार हो जाए उसके बाद ही हम लोग तेज गति से काउंसलिंग सेशन शुरू करेंगे। और अभी जैसा कि हमारे माननीय निदेशक क्षेत्रीय सेवा प्रभाग ने कहा है कि हम लोग जून से काउंसलिंग सेशन शुरू करेंगे, तो मैं अपने विद्यार्थियों को आश्वासन देना चाहती हूँ कि जून से लगभग सभी कार्यक्रमों की काउंसलिंग हम लोग शुरू कर देंगे। कुछ कार्यक्रमों की काउंसलिंग अभी भी हो रही है, उनका डिटेल हम लोग बराबर अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं। 23, 24, 25 मई को भी काउंसलिंग सेशन हुए हैं जिनका डिटेल हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ था। बहुत बहुत आभार आपका।
आपने इतनी विस्तार जानकारी दी, बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। लेकिन डिस्पाइट दिस मैं दिल्ली 3 के रीजनल डायरेक्टर साहब के पास जाना चाहता हूँ। आप लोगों ने पूरी मुकम्मल व्यवस्था करी है कि किस तरह से असाइनमेंट को लिए जाए, फिर भी विद्यार्थियों के प्रश्नों को देख करके ऐसा लगता है कि अभी भी विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दे आर जस्ट फेसिंग दी प्रॉब्लम्स व्हाइल दे आर सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। Please enlighten us so that the students get benefited and get rid of all these kind of problems which we are finding it on the Facebook Live. Dr. Pandey sir. Thank you, Dr. Prasad. Bahut hi pertinent question, a very important question which has been asked by you. Aur ye student queries bhi hain. Aur isme main keval yahi share karna chahta hoon ki pehle jo links humne rakhe the regarding the submission of online assignments, वो हमने स्टडी सेंटर वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। जितने भी हमारे अध्ययन केंद्र हैं वो स्टडी सेंटर वाइज सेग्रीगेटेड हैं और उसके पूरे डिटेल्ड गाइडलाइंस क्या हैं, कैसे आपको सबमिट करना है उसके बारे में भी दिया गया है। और हर अध्ययन केंद्र का लिंक अलग है, उसका ईमेल आईडी अलग है और उसको अपने ही अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। अब परेशानी वहां पे आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का असाइनमेंट जो है वो रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेब ईमेल आईडी पे rcdelhi3@igno.ac.in पे स्टूडेंट दे दे रहे हैं, तो उसको हम लोग ये पिछले वर्ष का मैं अनुभव सभी से शेयर कर रहा हूँ कि हम लोगों ने जब बाद में भेजना शुरू किया टू द कंसर्न स्टडी सेंटर तो वहाँ पे बहुत सारे गैप्स आने लगे। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार ये निर्णय लिया कि जैसे ही, और ये डे टू डे बेसिस पे ऑन एन एवरेज कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स की मेल को हम लोग केवल असाइनमेंट संबंधित मेल को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो स्टूडेंट को हम वापस कर रहे हैं कि आपका ये लिंक है, वो लिंक का भी डिटेल हम उस मेल में डाल रहे हैं कि इस लिंक पे जाकर के देखिए और आपका जो स्टडी सेंटर है उस स्टडी सेंटर के ईमेल आईडी पे ही आप सबमिट करें। प्लीज डू नॉट सबमिट एट एनी अदर ईमेल आईडी। नंबर वन, सबमिट द असाइनमेंट ओनली वंस। Many a times we have observed that the students have a tendency to submit the assignments multiple times. So that creates avoidable confusion both at the regional center and also at the study center level. So this is number one. Number two, iske bawajood bhi bahut sare hamare chhatra hain, khas karke jo dur daraj ke ilaqon mein rehte hain, jinko wo email ki suvidha nahi ho pa rahi hai ya email ka itna support nahi mil pa raha hai ya broadband ya internet ki suvidha nahi mil pa rahi hai. My only request to them would be that just wait till the situation becomes little normal. Jaisa hamare director sahab ne bataya ki isko review kiya jayega and given the very difficult phase the entire country is going through, let us have some patience and we will be in a position to facilitate all the learners. Number one. Number two, as regards the submission of the project, wo director sahab ne bade hi clear terms mein bata diya ki ये इग्नू की वेबसाइट पे होम पेज पे लिंक फॉर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट डिसर्टेशन फील्ड वर्क सब कुछ का लिंक वहां दिया है और जैसे ही स्टूडेंट उसको क्लिक करेगा उसके पूरे डिटेल्ड गाइडलाइन दिए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो डिसर्टेशन है पूरा उसको उनको वैसे लेकर के देना है। और मेरी केवल और केवल एक ही स्टूडेंट के लिए एडवाइस है दैट लेट देम विजिट द रीजनल सेंटर वेबसाइट एंड आल्सो द हेडक्वार्टर दैट इज द मेन वेबसाइट ऑफ इग्नू ऑन ए रेगुलर बेसिस, क्योंकि सारी सूचनाएं आज की तारीख में हम लोग इसके माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं और वो लोग वहां पे देखें जिससे कि उनको हर प्रकार की सूचना वहां मिल जाए। इसके बावजूद संख्या ज्यादा होने की वजह से कई बार छात्रों को वो नहीं मिल पा रहा है या उनको नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम लोग कहते हैं कि आप क्षेत्रीय केंद्र पर अपने जवाब मेल द्वारा लिख के भेजिए, इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा इतना रिस्टलेस हो जाते हैं हर मिनट रिमाइंडर भेजने लगते हैं। माई सिंपल एंड जनरल अपील टू ऑल सच स्टूडेंट वुड बी दैट प्लीज डू नॉट सेंड अ रिमाइंडर एवरी मिनट। फॉर अस एवरी स्टूडेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, so just have some patience and every query and every email would be responded to, whether it pertains to the assignment submission, it pertains to the non-reflection of the assignment grades. Aur ye jo difficulty hai ye kshetriya kendra tak hi simit nahi hai,
अध्ययन केंद्र में भी बहुत सारे लोग जो हैं, अभी पिछले सप्ताह में हमने एक अपनी बैठक की थी कोऑर्डिनेटर्स के साथ, तो कम से कम 5 स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स और उनके जो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स, दे इन्फॉर्म्ड मी दैट दे वर ऑल इन्फेक्टेड बाय कोरोना, और उसमें 2 की सिचुएशन बहुत ही नाजुक इस समय भी चल रही है, जो पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन का प्रॉब्लम है, दे आर अंडरगोइंग दैट फेज, दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ऑल द पॉसिबल सपोर्ट एंड हेल्प वुड बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स. That is thank all you. I want to say. Thank you, sir. Thank Dr. you, Dr. Pandey, sir. Can I just? Please go ahead. What Dr. Pandey, sir, just said, I think it's very pertinent, and also all our previous speakers, Director RSD, everyone has been emphasizing. There is need to regularly visit the website. That cannot be, you know, more than that stated, because just now there is a query. The name of the person is not mentioned in the group. I just saw there is a query for RC Karnal regarding online assignment. So I just checked on their website, sir. They have given study center wise, like many of our RCs have done. So updated guidelines they rakhi hain RC ne. तो मेरा अनुरोध और एडवाइस स्टूडेंट्स को यही रहेगा कि प्लीज विजिट द वेबसाइट, डोंट गेट इंपेशेंट, वी फुली रियलाइज इन द यूनिवर्सिटीज विद द लर्नर्स कि भाई ये समस्याएं बिकॉज ऑफ दिस हॉरेंडस सिचुएशन इन विच वी ऑल आर, बट यू आरसीज विद द लेटेस्ट डायरेक्शंस एंड देयर ऑल देयर एफर्ट्स दे हैव अपडेटेड द गाइडलाइंस. तो ये क्वेरी नाम नहीं मालूम किस स्टूडेंट ने भेजा है, डॉक्टर प्रसाद वुड बी एबल टू मे बी not able to see that, but yeah. This is one. So immediately I checked the RC website and it is all updated over there. So kindly revisit the website and submit your assignment. That is the way. Thank you, Hema ji. Now I will go to ek point bas keval aur add karna. Ek minute, sir. There is one query which is very, very coming all the time. Rajesh Singh is again written that. He is writing in Hindi, कहते हैं कि आदरणीय महोदय, ऐसा लगता है कि आपके पास इस कोरोना काल में आपसे संपर्क करने का कोई नंबर नहीं है, ऐसे हालात में हम आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं. मैं अपने डायरेक्टर साहब के माध्यम से ये जरूर आग्रह करना चाहूंगा अपने क्षेत्रीय केंद्रों को निदेशकों से कि कोई ऐसा नंबर हो. ओवर टू डायरेक्टर सर फर्स्ट एंड देन टू डॉक्टर संजीव पांडे सर. नहीं, ये क्वेश्चन जो है कि हमने अपने वेबसाइट में एक कॉन्टैक्ट अस हेल्पलाइन का प्रबंध किया है, और जिसमें कि उन्होंने ये कोरोना के टाइम में स्पेशल की खास करके और उससे पहले भी नॉर्मल सिचुएशन में आप कैसे रीजनल सेंटर के हमारे स्टाफ हमारे ऑफिसर्स को कांटेक्ट करेंगे उसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी उन लोगों ने दिया है, और अभी भी हमारे रीजनल सेंटर में ये टेलीफोन नंबर्स और मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी ये सब उपलब्ध है. और मेरा जैसे कि अभी डॉक्टर पांडे ने और डॉक्टर हेमा पंत ने आपको बताया कि आपको ये अनुरोध होगा कि आप रीजनल सेंटर वेबसाइट को विजिट करें और उनके होम पेज में ये सब जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, हाउ टू कॉन्टेक्ट अस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पेंडेमिक, ये सब और न्यूज एंड इवेंट्स, ये सब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको जरूर आप देखें और देख के आप हमें संपर्क करें. इसके अलावा हेडक्वार्टर में भी आपके जो ईमेल्स हैं उसको हम हर दिन देखते हैं, आपके जो टेलीफोन हैं उसको हर कोई फैकल्टी स्टाफ ऑफिसर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनरेबल वाइस चांसलर डाउनवर्ड, हम लोग सब सेंसिटिव हैं, हम लोग सब आपके टेलीफोन कॉल्स को अटेंड करते हैं, ईमेल को अटेंड करते हैं, और आपके जो आईग्राम में जो ग्रीवांसेस आता है उसको ऑन डे टू डे बेसिस ऑनरेबल वाइस चांसलर खुद उसको रिव्यू करते हैं कि रीजनल सेंटर वाइज, स्टडी सेंटर वाइज या हमारे स्कूल वाइज या नेचर ऑफ द क्वेरी, असाइनमेंट रिलेटेड क्वेरी, एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेरी,
प्री एडमिशन पोस्ट एडमिशन काउंसिलिंग रिलेटेड क्वेरी ये सब को हम रिव्यू करते हैं और उसमें जो भी कहीं पर अगर थोड़ा डिले होता है उसको हम रिमाइंड करते हैं और आपको जो ग्रीवांसेस का जो आपका सोल्यूशन है उसको देने का कोशिश करते हैं. सो रेस्ट अश्योर्ड दैट वी आर इन टच विथ यू एंड प्लीज विजिट द रीजनल सेंटर वेबसाइट फॉर ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू कॉन्टैक्ट अस. Thank you, sir. And sorry, Dr. Pandey, sir. I have just stopped you, but now you can come in, sir. Dr. Ashok Sharma, कुछ बोलने चाह रहे हैं उनको भी आप बताइए. Okay, I'll just take a minute. This is only regarding the contact point of the regional centers and the emails to be written. Sincere advice to all the learners would be that. Making a telephone call at times will resolve the problem, but at times it may not resolve the problem because बहुत सारे issues जो हैं जब तक कि पूरा complete record नहीं आदमी check करेगा और उस समय उसके पास वो record available है कि नहीं है, better it is that you submit or you send a mail to the concerned regional center during these difficult times. Number one. Number two, बहुत सारे student लिख के क्या लिए एक दो liner mail भेज देते हैं कि भाई हमने assignment जमा कराया था हमारे number नहीं लगे. आप जब तक कि तीन चीजें हमने अपने क्षेत्रीय केंद्र में इसको इनिशिएट किया है एंड वी हैव बीन रिगरसली फॉलोइंग इट, वी आर आस्किंग फॉर द डिटेल्स ऑफ द सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट्स ऑनलाइन का या ऑफलाइन का विथ प्रूफ ऑफ सबमिशन डेट एंड मंथ ऑफ सबमिशन एंड स्क्रीनशॉट ऑफ द लेटेस्ट ग्रेड कार्ड. बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हमने चेक किया कि स्टूडेंट ग्रेड कार्ड का स्टेटस नहीं चेक कर रहा है और उसके असाइनमेंट जो हम लोगों ने यहाँ से प्रोसेस करके हेडक्वार्टर में भिजवा दिए हैं दे आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड. तो ये तीन चीजें स्टूडेंट अगर लिख करके भेजेंगे, दिस आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द नॉन रिफ्लेक्शन ऑफ द असाइनमेंट डेट्स, वो करते हैं नंबर वन. नंबर टू, और भी जितने भी स्टूडेंट सपोर्ट रिलेटेड मैटर्स हैं, इफ दे सेंड अस ए मेल गिविंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेनी टाइम्स द स्टूडेंट विल नॉट गिव द डिटेल ऑफ द स्टडी सेंटर, दे विल नॉट गिव देयर एनरोलमेंट नंबर, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रैक सच डिटेल्स. तो आप पूरा डिटेल अपना दीजिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग आपकी मदद करेंगे. थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट ईच एंड एवरी मेल विल श्योरली बी रिस्पोंडेड. दैट इज ऑल आई हैव टू थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर पांडे, एंड आई विल डेफिनेटली कम टू अशोक शर्मा जी, बट बिफोर दैट आई विल गो टू रूपम जी. देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम चैतन्य सहलकर. चैतन्य सहलकर इज राइटिंग दैट आई हैड गिवन एग्जाम ऑफ LST 05 इन फरवरी 2021. नाउ द रिजल्ट शोस that the course is not opted for. So it's a very personal question from a student side, but definitely we need to address that. How to address that, Dr. Rupam? Yes, thanks, Dr. Prasad. I did see that question from Chaitanya and I wanted to respond to that. Good, you have raised this question. I don't have Chaitanya's enrollment number right now. So if I can get his enrollment number through email or some other channel, yes, I'll certainly look into why this is showing as not having registered. I will look into it. Thank you. Dr. Rupam, now over to agar aap kuch add on karna chahte hain Ashok Sharma ji briefly, because we are having lot more queries. Dr. Ashok Sharma ji, please do come in. Thank you, Dr. Prasad. Thank you, Dr. Mohapatra sir, for giving me this opportunity again. सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट को यही एक आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होने के बावजूद भी आज नेशनल हॉलीडे है. लेकिन इस सब के बावजूद हम आप सभी बच्चों से बात करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं. आप सब डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में शो कर रहा है दैट वी आर वरीड अबाउट आवर लर्नर. दूसरी बात, जब
जैसे सर ने रिक्वेस्ट किया है काइंडली एक बार आप हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट को जरूर विजिट करें हमारे मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल एड्रेस सभी वहां पर अवेलेबल हैं और इसके साथ के साथ सभी रीजनल सेंटर्स में ड्यूरिंग द पेंडेमिक पिछले लॉकडाउन के दौरान भी पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था और इस साल भी हम सब लोगों ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी बच्चों के लगातार संपर्क में रहने की कोशिश की है जिसका एक सबसे बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो है फेसबुक। लगभग लगभग सभी रीजनल सेंटर्स ने अपना फेसबुक पेज ओपन किया है जिसको डेली बेसिस पर अपडेट किया जा रहा है तो जो भी रीसेंट अपडेट्स हैं काइंडली आप उनको देखने के लिए आप हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट को भी साथ में देखें और साथ साथ फेसबुक पेज को भी जरूर देखें। मैं सिर्फ एक छोटी सी अपील के साथ कि हमारे विद्यार्थी कभी भी लास्ट डेट की इंतजार ना करें किसी भी काम को करने के लिए जो भी काम जो भी कंपोनेंट उनको पूरा करना है तो जैसे ही वो लिंक ओपन होता है वो अपना काम उसको बिना लास्ट डेट की वेट किए हुए वो उस अपने कंपोनेंट को जरूर पूरा करें। इसके बावजूद मैं कुछ अलर्ट के तौर पर कुछ लास्ट डेट जो बहुत नजदीक आ रही हैं वो मैं बहुत ब्रीफली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मई है अभी भी हमारे पास 5 या 6 दिन हैं तो आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाएं और आपके रेस्पेक्टिव रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट जमा करने का जो मोड आपके लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है आप उसके माध्यम से आप अपनी असाइनमेंट को इमीडिएटली अपलोड करें। जैसे मैं आरसी दिल्ली 1 की बात करूं तो हम लोगों ने हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी और फेसबुक के माध्यम से भी